देखो चीटियों की तरह भीड़े भाई, इतनी बड़ी देख सकते हो महादेव की, इतनी बड़ी शिवलिंग देख सकते हो, और यहाँ लाखों की तादाद में भीड़। हे गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज बहुत अच्छा दिन है, खास दिन है, न्यू ईयर भी है आज, और आज ही मम्मी पापा भी आने वाले हैं। सो टाइम हो रहा है लगभग 3:30 या 4, और हम जा रहे हैं अभी स्टेशन लेने उनको ठंड में, और बहुत ठंड है लिटरली। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। देख सकते हो पूरा खाली रोड है, कोई नहीं है, हम ही है, और अभी हम कमलापति रेलवे स्टेशन पे जाने वाले लेने। इधर मस्त लग रहा है मेला, 1 या 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और मतलब आज ही से स्टार्ट हो जाएगा मेला। हमारा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आ चुका है, और अभी हम मस्त उनको लेंगे, और फिर मैं तो घर जाके सो जाऊंगा। और ये मॉल, सो गाइस वो लोग आ रहे थे और ये गाड़ी आ गई, सो इसके बाजू वाली गाड़ी से आ रहे थे वो, और ये हम सफर एक्सप्रेस। गाइस स्टेशन से आके हम सो गए थे और अभी अभी उठे हैं, और रात में भी लेट सोए थे इसी वजह से, और आज हम जाएंगे बाहर घूमने, बाहर जा रहे हैं ना। सबसे पहले हमने पेट्रोल डलवा के लाना है गाड़ियों में, सो जाते हैं, और सिलेंडर भी लेना था ना। हाँ, सिलेंडर भी लेना है गैस का, वो भी उठा लेंगे और जाते हैं अभी। गाइस अभी हम पीछे से टोल प्लाजा था, और यहाँ से थोड़ी मतलब गाँव स्टार्ट हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्र, हर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ स्कूल है शायद ना, हाँ यही, और ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। ये जगह कितनी अच्छी लग रही है, दोनों साइड से पेड़ ही पेड़ है। सो गाइस देख सकते हो कितनी भीड़ है, और ये सारे लोग वहीं पे जा रहे हैं, बिकॉज आज नया साल है, नया साल we
इतनी भीड़ है गाइस और हम भीड़ में फंस गए हैं ट्रैफिक में। कितना बड़ा जाम लगा है वहाँ तक। तो फाइनली गाइस इतने ट्रैफिक के बाद हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे गाड़ी लेके आने नहीं दिया आगे, तो गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी। और ये मेरा DSLR और ये हम लोग यहाँ पे चले आगे पीछे चार भीड़ ही भीड़। आपको दिखाता हूँ मैं आगे अभी क्या चल रहा है। तो गाइस आगे भीड़ देख सकते हो आप कितनी है। ये मंदिर है और इसकी 10x जूम में इतना दिख रहा है। और ये मंदिर है और यहाँ पर जाना है। और देखो चीटियों की तरह भीड़ है, इतनी भीड़ है और इतनी जाना है। कम से कम एक घंटे से हम लाइन में चल रहे हैं और ये अभी पुल मस्त ही आपसे इतना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं हम। और यहाँ पर इतनी भीड़, लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ है, मेरे पीछे भी। तो गाइस ये मंदिर और इतनी भीड़। गाइस इतनी भीड़ में हम लोग यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। देखो मैं दिखा था देखा, तो उधर जाना पड़ेगा ना। भीड़ गाइस देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। कैमरे में भी नहीं आ रही इतनी बड़ी महादेव की ज्योतिर्लिंग है। महादेव की इतनी बड़ी शिवलिंग देख सकते हो और यहाँ लाखों की तादाद में भीड़। अभी दर्शन भी हो चुके हैं और अभी हम एक शिवलिंग का पूरा चक्कर लगा रहे हैं, पूरा राउंड लगाएंगे और देखेंगे बाहर से शूटिंग। और इतनी भीड़ है यहाँ पर, मास्क लगा कर रखना जरूरी है यहाँ पे। भाई यहाँ पर खड़े और इतना ठंड लग रहा, ठंडा है यहाँ पर अंदर। देख सकते हो ऊपर इतनी बड़ी ज्योतिर्लिंग, कैमरे में सही से आ भी नहीं रही, बैक कैमरे से करूँगा अभी मैं। और इतनी भीड़ और इधर चल रही इतनी सेल्फी, देख सकते गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पर। और ये पीयूष कोने में आके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आवाज़ें नहीं रिकॉर्ड हो रही थी इसी वजह से कि लोग चिल्ला रहे हैं। महाकाल की ज्योतिर्लिंग का आपको मैं एक बार दर्शन करवा देता हूँ फिर से। गाइस इतनी बड़ी देख सकते हो, गाइस इतनी भीड़ है और शांति से दर्शन हो गया हमारा। बस शांति से तो नहीं, थोड़ा सा ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा मतलब, पर फिर हो ही गया फाइनली। अच्छा लग रहा है बहुत। अभी 2 से 3 घंटे तो हमें ट्रैफिक नहीं लग गया। हाँ हम फोटो सेशन कर रहे हैं और अभी चल रहे हैं और मस्त फोटो सेशन हो रहा है हमारा। और फोटोग्राफर पीयूष मस्त फोटो सेशन चल रहा है, सब लोग आ रहे हैं पीछे। और पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये, देखो कैसे खेल रहे हैं। तो गाइस हम मस्त यहाँ पर उधर लगाने वाला हूँ, दूसरा उधर चल रहा है उनका फोटोशूट। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है, सिनेमैटिक ले रहा हूँ मैं भी।
भाई दर्शन हो चुके हैं, अभी थोड़ा बहुत फ़ोटो भी खिंचवा लिया और फ़ोटो खिंचवा के अभी जा रहे हैं घर पे। और अभी भी ठंड भी लगने वाली, इतनी भीड़ है और सारे भोपाल यही खाली हो चुका है, इतनी भीड़। और इधर से सनसेट कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, बहुत ही अच्छा। और यहाँ इधर से भीड़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे इतनी भीड़ है अभी भी वहाँ पे रोडों पे ही। हम निकल गए और इतनी भीड़, और सनसेट देखो कैसा लग रहा है पूरा। अभी भी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी भी इतनी भीड़ है यहाँ पे, देख सकते लोग आ ही रहे और जा ही रहे हैं। और ये कितना व्यू पॉइंट है यहाँ से, तो अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को तो ये ना यहाँ पे फोटो खींचने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन ना कैमरे की बैटरी डाउन हो गई और फोटो खींच नहीं सकते हम लोग। कितना अच्छा लग रहा है पीछे से, चार्ज करने ही भूल गए लिटरली हम लोग, नहीं तो ना बहुत अच्छी फोटो आती है यहाँ पे इस जगह पे। और यहाँ से इधर से भी बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं इधर से देखो, और इस साइड से देखो कितना अच्छा लग रहा है। उधर से पानी आ रहा है ऐसे, और इधर पूरी खेती है। हम अभी जा रहे हैं घर पे और बहुत अंधेरा हो चुका है, मतलब 6:30 हो चुके हैं। और अभी जा रहे हैं गाड़ी के पास, गाड़ी पार्क की है उधर, और हम बाइक से जाने वाले हैं। इधर से रास्ता है, बाइक से जाने वाले हैं, तो बहुत ठंड लगने वाली है। सबसे पहले उस खाने को है गाड़ी में पार्टी, तो कर लेते हैं और सीधा जाते हैं घर। और मैं तो स्वेटर भी मेरा गाड़ी में रखा है, तो गाड़ी में वो स्वेटर भी ले लूँगा मैं, क्योंकि इतनी ठंड लग रही है, अगर अभी नहीं पहना ना तो फिर कोट हो जाएगी। चलो अभी चलते हैं गाड़ी के पास। फाइनली गाइस घर आ चुके हैं इतनी ठंड में, और रात का टाइम था इसलिए ब्लॉगिंग नहीं की हमने, बाइक पे आए हम लोग। सो बहुत ठंड है और हम लोग अभी घर पे आए, और हमने चाय भी नहीं लाई। अभी हम जा रहे हैं बाहर, आके चेंज करके जा रहे हैं बाहर। मैंने नहीं करा चेंज ना, मुंह धोया मैंने करा, और इतनी ठंड लग रही है, ठंडे पानी से मुँह हाथ धो लिए तो बहुत तो ज़्यादा। और अभी हम केक लेने जा रहे हैं, बस अभी हम काटेंगे केक चाचा का बर्थडे का। सो लेट्स गो। फ्यूचर में अभी आ चुके हैं बाहर से, और अभी सोना है, सो एडिट भी करना है। सो इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।